नमस्कार, मैं हूं पीएन योगी और आप देख रहे हैं कृष्ण मीडिया। चुनावी दंगल में आज हम पहुंचे हैं सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भगवानसर में। यहां हमारे साथ मौजूद है एक भावी सरपंच मनदीप सिंह, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत संघर्षशील व्यक्ति आपके सामने है। सर, हमारे इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ भगवानसर पंचायत में पहुँचे, आपने वक्त निकाला और आप हमारे विचार जानने की भी आए। सर, चुनाव आ चुके हैं और बहुत सारे उम्मीदवार सरपंच मैदान में ताल ठोक चुके हैं, तो आपकी ग्राम पंचायत में आपके सामने कौन कौन उम्मीदवार हैं? मेरे सामने दो कैंडिडेट हैं, महेंद्र पूनिया, राजकुमार मंडल। पंडित जी, आपके बारे में हमने जहाँ पता किया है तो आपको बहुत संघर्षशील माना गया है। आप ना सरपंच ना रहते हुए इतना कुछ यहाँ करके दिखाया, तो अपने किए हुए कार्यों के बारे में कुछ वहाँ मिला? तो जो कार्य मैंने किए हैं वो जनता को भलीभांति पता है। जो कार्य मैं करता हूँ ना उसको मैं सोशलाइज करता हूँ। आपने कहा तो मैं आपके आग्रह पे बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल से लगातार जनता के बीच रहा हूँ, जनता से जुड़ा हूँ, हर गरीब अमीर के साथ हर वक्त सुख दुख में साझा रहा हूँ। गांव 28 पीबीएन की समस्या थी कि यहाँ जब से गांव बनाए तो यहाँ मर्द पशुओं को गिराने के लिए अड्डा रोड़ी की जगह नहीं, तो वो पिछले 1.5 साल पहले मैंने उस जगह को खरीद के गांव को दिया और उसके बाद हमारे गांव के जो भी गरीब लोग हैं, जो वो जमीन जो आपने खरीदी वो आपने खुद के पैसे से खरीदी या जन सहयोग से? नहीं, बिल्कुल मैं उसको अपने परमात्मा की कृपा से और मैंने खुद ही पैसे उसके दिए और मैंने खरीदी और खरीद के जनता के लिए मैंने वो जगह दे दी है और इसमें अभी पिछले 1.5 साल से लगातार लोग मृत पशु गिराते हैं। मैं ये मानता हूँ कि हमारे धर्म में गाय को माता मानते हैं और गाय को मृत होने के बाद उसको एक स्थान नहीं था कि जहाँ उसको निश्चित हम गिरा सकते। तो ये कार्य मैंने नहीं किया, परमात्मा की देन से हुआ और उन्होंने कहा। और अन्य कार्य जो आपने गरीबों की मदद की, किसी हिसाब से मदद की है, उनके साथ गए या ऐसे कोई कार्य करवाए आपने जो आज बोलने लायक हो? क्योंकि चुनाव का वक्त है और जो किया वो बोलना जरूरी है, क्योंकि इसमें कोई किसी प्रकार का दिखावा नहीं होता, लेकिन आज प्रदेश की जनता आपको देखती है, पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक आपको देखती है और उसके सामने जो आपने किया, तो मैं चाहूँगा कि आपने ये सवाल मेरे से किया है। वैसे मेरे को किसी भी तरह से इसको सोशलाइज करना या दिखावा करना वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। आपने कहा है तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। हमारे यहाँ 32 पीबीएन हैं जहाँ 3 एसडीएम में सरकारी स्कूल बना, उसके अंदर गरीब झुग्गी झोंपड़ी के लोग रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। मैं एक दौरान वहाँ चला गया देखने, स्कूल देखने चला गया, वहाँ जाकर देखा मैंने वो ठंड के अंदर बच्चे जो हैं वो नीचे बैठे थे, तो मैंने उनके टीचर से पूछा कि बच्चे नीचे बैठे हैं, बच्चों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं? उन्होंने बताया कि बच्चों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। तो मैंने समय उनके लिए बच्चों के लिए टेबल बनवा के वहाँ भिजवाए और आज वो स्कूल के अंदर बच्चे टेबलों में बैठते हैं, हमारे बच्चे भी टेबलों में बैठते हैं, उनके बच्चे भी टेबलों में बैठने का हक है, इसीलिए मैंने वहाँ टेबल बनवा के दिए। गाँव के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या है, चाहे कोई पानी की समस्या है, जैसे हमारे गाँव भगवानसर में वार्ड नंबर 5 में पिछले 4 साल से पानी की और गरीब लोग हैं जो वो असमर्थ थे पानी खरीद के डलवाने के, फिर भी कहीं ना कहीं से वो पानी बाहर से लाना पड़ता था, मजबूरी करके आते पानी बाहर से। वो 5 नंबर वार्ड में पिछले
एक साल से पानी की सुचारू व्यवस्था है, आप जाके देख सकते हैं, किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूँ कि मूलभूत जो सुविधा है, पानी है, बिजली है, इसकी जो सुविधा है वो हर एक को मिलनी चाहिए, शिक्षा है वो मिलनी चाहिए। जैसा भी मेरे से प्रयास होता है, जैसा भी बल पड़ता है, मैं बिल्कुल कराता हूँ। जनता में सुख दुख में साथ रहता हूँ, किसी गरीब को, किसी अमीर को जैसे भी मेरे से जरूरत रहती है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ उसका कार्य। सर, प्रदेश की जनता आपको देखती है, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी आपको देख रहे हैं, राजस्थान के सीएम आपको देख रहे हैं, सारे नेता लोग आपको देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक देख रही है। आपने जो समाज सेवा का कार्य करवाया है, उसके लिए मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे व्यक्ति जो पद पर ना रहते हुए भी बहुत कुछ समाज के लिए करने के लिए जा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाए, क्योंकि उनका एक हक है। सर, प्रदेश की जनता के नाम को संदेश। मेरा प्रदेश की जनता को एक संदेश है कि जो भी नेता है वो नेता ना बने, सेवादार बने, जनता की सेवा करें, और जनता की सेवा करेंगे तो जनता तो खुश होगी। और जनता से मेरा ये निवेदन है कि जो भी व्यक्ति आपको उचित लगे कि जनता में रहा है, जनता का कार्य किया है, उसी को ही आप समर्थन करें और ऐसा ही सरपंच बनाएं जो आपके पिछले 5 साल 7 में सुख में रहा हो और आगे भी आप उससे उपेक्षा वही कर सकें। मेरा संदेश यही है जनता से कि आप योग्य व्यक्ति चुनें जो आपके लिए हर टाइम उपस्थित रहे और आपकी सेवा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहुंचने के लिए हमारी तरफ से आपको।